राजस्थान में आज 48 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। जयपुर में 24, भरतपुर में 4, झुंझुनू कोटा में 3-3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। चित्तौड़गढ़ में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दौसा, जालौर, नागौर, टोंक, सिरोही, सवाईमाधोपुर और झालावाड़ में 1-1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बाहरी राज्यों से भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिले और राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 10,385 हो गई है। राजस्थान में आज कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना से अब तक 234 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। आज 3 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में 234 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। आज 48 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। जयपुर में सबसे अधिक 24 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। चित्तौड़गढ़ में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। अधिक अपडेट के लिए भरतपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र ज्योति हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट भरतपुर से? देखिए, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी मनीष, मैं बताना चाहूंगा कि भरतपुर में कोरोना का कहर जारी है जी। पिछले 10 दिन के अंतराल से जो कोरोना के जो पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ी है वो चिंतनीय वैसे है। और कल भी जो पॉजिटिव केस मिले हैं वो 63 केसेज सामने आए हैं। और आज हालांकि अभी यहाँ लोकल मेडिकल विभाग का बुलेटिन नहीं आया, स्टेट कंट्रोल रूम की जो रिपोर्ट है उसमें 4 है। हालांकि मेडिकल विभाग ने एक जो सुबह रिपोर्ट बताई है कि एक महिला भर्ती है जयपुर एसएमएस में एडमिट है, वो पॉजिटिव आई है, तो उसको मिलाकर के 610 हुए हैं। और स्टेट के हिसाब से माना जाए तो 613 केसेज इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के चिकित्सा विभाग के अनुसार जो 610 पॉजिटिव केस भरतपुर जिले में हो चुके हैं। और भरतपुर जिले में अनेक जगहों पर कर्फ्यू भी लगा हुआ है इन केसों की बढ़ती हुई संख्या की वजह से संक्रमण ना फैले, लेकिन संक्रमण को रोकथाम के लिए प्रयास प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। और भरतपुर के नगर निगम के क्षेत्र में महाकर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन कल तक बाजार सारे भरतपुर शहर के बंद थे सारे, और जो बाजार के ट्रेड है सारे बंद थे। कल व्यापारियों के संग जिला कलेक्टर और एडीएम्स की मीटिंग हुई है, पुलिस के अधिकारी मौजूद है, उनसे चर्चा तय हुआ कि आज से बाजार खुलेंगे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, और सोशल डिस्टेंसिंग और उनकी पालना हो, एडवाइजरी की पालना हो। अब सबसे बड़ी बात देखने वाली बात है जिस तरह संक्रमण जो सब्जी विक्रेताओं की वजह से भरतपुर में फैला हालात बिगड़े हैं, उस पर अब प्रशासन कितने दिन में किस तरह से कंट्रोल कर पाया ये रणनीति बनाने में प्रशासन लगा है। और आम लोग भी उम्मीद करते हैं कि इस पर अंकुश लगे और लोग सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखा कि भरतपुर में जिस प्रकार से कोरोना के मरीजों की जो संख्या है पिछले 10 दिनों में लगातार यहां पर बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, थोड़ा चिंता का विषय यहां पर। हालांकि तमाम जो एहतियात हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। झुंझुनू से फिलहाल हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, क्या अपडेट झुंझुनू से? सुजीत, क्या अपडेट झुंझुनू से? देखिए, कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या नई अपडेट? जिस प्रकार से कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 10,000 को अब ये संख्या पार कर चुकी है और 234 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। आज 48 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और 10,385 ये संख्या हो गई है। 234 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की चपेट में आकर। जयपुर में 24 कोरोना पॉजिटिव मिले। चित्तौड़गढ़ में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दौसा, जालौर, नागौर, टोंक, सिरोही, सवाई माधोपुर और झालावाड़ में 1-1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बाहरी राज्यों से भी 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 10,385 इसी के साथ ही संख्या हो गई और आज 3 मरीजों ने अपनी जान गंवाई कोरोना की चपेट में आकर राजस्थान में। चलिए फिलहाल कोटा से योगेंद्र महावर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या अपडेट कोटा से? लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, किस प्रकार का माहौल वहां पर है? मनीषा, मैं आपको बता दूंगा जिस तरह से आज कोरोना संक्रमण मरीज सामने आए हैं, आज 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, जिसके साथ ही 509 कोरोना संक्रमित मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। तो वैसे ये जो कोरोना संक्रमण जी जो
कोटा शहर की तो लोग जी कोटा शहर में भी तो वो एक अगले तारीफ है और जो लोग हैं कोटा शहर के जो लोग हैं वो खुद अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हालांकि इससे कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कोटा संक्रमण वहां तक फैल चुका है जहां पे किसी ने उम्मीद भी नहीं जताई थी। तलमंडी है, दादाबाड़ी इलाके है, ये पॉश कॉलोनी जहाँ कोरोना संक्रमण फैल चुका है। तो यहाँ से कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज जिला प्रशासन के लिए बना हुआ है। बिल्कुल योगेंद्र, कितने लोग फिलहाल वहाँ के रिकवर हो चुके हैं? योगेंद्र, कितने लोग वहां से फिलहाल रिकवर हो चुके हैं? मनीषा, मैं आपको बता दूंगा, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं 500 हो चुके हैं सर, उनका मरीज तो ये जो है जहाँ एक और बढ़ रहा है वहीं पर जिस तरह से इनका उपचार चल रहा है तो कमी भी आ रही है। तो ये जिला प्रशासन के कोटा शहर जी जी योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें लगातार जो आंकड़े हैं उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, हालांकि कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर थोड़ी सी जागरूकता की कमी लोगों में है, लेकिन बाकी लोग अब जागरूक हो रहे हैं क्योंकि ये लोगों के सामने साफ है कि जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं खुद सजग होना पड़ेगा और खुद अपना बचाव करना पड़ेगा, तभी कोरोना की चपेट में आने से लोग बच पाएंगे। क्योंकि अब अनलॉक का दौर शुरू है और ऐसे में सभी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने रोजमर्रा के जो काम हैं उन्हें निपटा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सावधान होना जरूरी हो जाता है। 10,385 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है राजस्थान में। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लोगों को खुद सजग होना पड़ेगा, खुद सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि अनलॉक का दौर है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार मुस्तैद है। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए लगातार ये आंकड़े हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, 234 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि कितने कितने लोग फिलहाल जो रिकवर हो चुके हैं कोरोना से? जी बिल्कुल मनीषा, लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें बात करें तो प्रदेश में आज 48 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,385 हो गई है। हालांकि रात भरी खबर यह है कि प्रदेश में रिकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक प्रदेश में 7,606 कोरोना पॉजिटिव वो ठीक हो चुके हैं। हालांकि आज के दिन की बात करें तो आज जो चुम्बर रिपोर्ट आई उसके अनुसार 105 कोरोना के जो पॉजिटिव केस थे वो ठीक हो चुके हैं। ऐसे में लगातार जो रिकवरी रेट है वो बढ़ती नजर आ रही है और प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो 70% से अधिक जो दर है वो लगातार बरकरार है। ऐसे में जो प्रदेश है रिकवरी रेट में तो पूरे देश में और प्रथम दर्जे पर सामने आ रहा है। तो कही जा सकती है कि राजस्थान में जिस तरह से कोरोना का ज्यादा बढ़ता जा रहा है उसमें ठीक होने वाले की संख्या अधिक है, तो एक राहत भरी खबर प्रदेश के लिए है। इन सब चीजों को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार जो प्रयास है वो किए गए थे किसी तरह की जो कोरोना संक्रमण के दौरान आम जनता को जो परेशानी नहीं हो और इस कोरोना को जो कंट्रोल किया जा सके। इसी को लेकर जो प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अब तक करीब 5,00,000 से अधिक जो जांचें हैं वो हो चुकी हैं और उसमें सबसे अधिक जो अब तक जोधपुर में जो जांच हुआ है, जांचों में प्रतिशत की बात करें तो जोधपुर में 18% के आधार पर जो जांच जा रहा है प्रथम नंबर पर, यानी कि सबसे अधिक जो कोरोना की जांचें हैं वो जोधपुर में की गई है और उसके बाद में जयपुर में 16% जो जाते हैं वो जयपुर में हुई है। इसी तरह से कहा जा सकता है जिस तरह से प्रदेश के जो 17 जिलों में अब तक जो सबसे अधिक जो कोरोना जांचे हैं वो हुई है, ताकि जिस तरह से 17 जिलों में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे और उन्हीं में जो जांच कैपेसिटी है जो जांच क्षमता है वो लगातार बरकरार है, जांच कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। जिला स्तर पर भी अब चिकित्सा विभाग की ओर से जांच कैपेसिटी जो सुविधा है वो शुरू करने के जो प्रयास है वो किए गए हैं, ताकि कोरोना से संबंधित जो भी संक्रमण फैलने जो दायरा है उसको रोका जा सके। और इसी को लेकर चिकित्सा विभाग और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से चिकित्सा विभाग और प्रदेश के वहाँ पर तमाम जो निर्देश दिए जा रहे हैं। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।